खम्मा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। अभी समय है शाम का और मैं आ गई हूँ शाम का खाना बनाने के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी के गट्टे और भरवा मिर्ची बेसन की। और उससे पहले मैं बताने वाली हूँ आज जो मैंने कांड किया है, जो मतलब मुझे खुद को हंसी भी आ रही है और शर्म भी आ रही है कि आज मैंने जो किया आज तक कभी नहीं किया ऐसा। कल क्या हुआ, रात को हम लोग शादी से आए थे लेट और हम लोग सोए जब तक हमें 12 साढ़े 12 हो गई थी। और मुझे इतना लेट सोने की आदत नहीं है, मैं 10 साढ़े 10 नॉर्मली सो जाती हूँ। तो फिर नींद पूरी हुई नहीं और सुबह मेरी 5 बजे आंख भी खुल गई। तो मैंने दोपहर का काम खत्म किया और मैं दोपहर में सो गई कि चलो नींद पूरी कर लेते हैं। फोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया और मस्त सोई। और थोड़ी सी नींद लगी ही थी तब तक कि मेरी बेल बजी। एक बार बेल बजी तो मुझे लगा हाँ मैं नींद में हूँ, सपने में बेल बज रही है। फिर 2-3 बार धड़ाधड़ 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 बेल बजनी शुरू हुई। तो मैं एकदम से उठी और उठ के दरवाजे तक आई, तब तक तो जो भी था वो जा चुका था। पड़ोसियों से पता चला कि पार्सल वाला आया था। फिर मैंने कहा चलो अब मेरी आंख खुल गई है, मुझे वापस नींद नहीं आएगी। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है कि अगर मेरी एक बार आंख खुल जाती है तो मुझे वापस नींद नहीं आती। तो मैंने कहा चलो आज मुझे गाड़ी भी धोनी है क्योंकि कल हम लोग जाएंगे सिटी में ज्वेलर के यहाँ, कुछ ज्वेलरी बनवानी है, गोल्ड बनवाना है। और क्यों बनवाना है आपको पता है कि अब हमारे फरवरी में एक शादी और आएगी, मेरे नानदे की शादी। तो उसी के लिए हमें गोल्ड ज्वेलरी बनवाने जानी है। और जहां मैं आपके साथ आपको भी लेके जाऊंगी, आपके साथ भी शेयर करूंगी हम क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो फिर मैंने कहा छोटी गाड़ी धो देती हूँ क्योंकि बड़ी गाड़ी सिटी में जाती है तो थोड़ी मुश्किल होती है, चली जाती है लेकिन थोड़ी मुश्किल होती है, पार्किंग में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम जब भी सिटी जाते हैं कोशिश करते हैं कि हम छोटी वाली गाड़ी लेकर के जाएं। तो मैं गाड़ी धोनी थी तो मैंने सोचा चलो मैं जाती हूँ। और मैंने कहा मुझे फोन चाहिए नहीं, तो मैं फोन घर पर रख करके, और मेरी एक चाबी है जिसमें मैंने घर की और गाड़ी की चाबी साथ में लगा के रखी है एक ही छल्ले में। तो मैंने वो गाड़ी की चाबी उठाई, बाल्टी उठाई और चली गई गाड़ी धोने के लिए, फोन घर पे, और घर के लगा दिया लॉक। और नीचे गई तो मैंने चाबी से लॉक खोला गाड़ी का और गलती से वो चाबी गाड़ी में रख दी और गलती से मेरे से दरवाजा बंद भी हो गया। अब गाड़ी लॉक, घर लॉक, और मेरे पास ना चाबी है ना मोबाइल। फिर भाई थोड़ी देर सोचती रही कि करूं क्या। फिर वापस आई पड़ोसियों के पास कि भाई आप अपना मोबाइल दो और मुझे कॉल करना, मेरे हस्बैंड को। फिर मैंने पतिदेव को कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, घर भी लॉक गाड़ी भी लॉक और मेरे पास चाबी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है मैं भेजता हूँ। मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं कि बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, बोले ठीक है मैं किसी को भेजता हूँ चाबी दे के। फिर ऑफिस से किसी को भेजा चाबी दे के। फिर वो उस चाबी से मैंने मेरा घर खोला क्योंकि उनकी गाड़ी के साथ भी, गाड़ी की चाबी की जो साथ में है, घर की और गाड़ी की दोनों साथ में अटैच की हुई है और मेरे भी सेम ऐसा किया हुआ है। तो फिर मैंने घर खोला घर की चाबी से, उनकी चाबी से। फिर मैंने एक्स्ट्रा गाड़ी की चाबी निकाली, नीचे गई, फिर गाड़ी खोली, फिर उसमें से वो चाबी निकाली। तो ऐसा करके इतना ज्यादा हो गया, एक तो नींद से उठी परेशान नींद की वजह से, ऊपर से ये जो कांड हुए वो अलग, मतलब इतना ज्यादा परेशान हुई ना आज तो, मतलब मुझे खुद को हंसी भी आ रही है शर्म भी आ रही है कि जो मैंने आज किया है ना भगवान। चलो छोड़ो, अभी मैं डिनर में क्या बनाने वाली हूँ, बनाऊंगी मेथी के गट्टे भरवा मिर्ची। और मेथी के गट्टे बनाने के लिए मैंने ये थोड़े से चावल उबाल लिए हैं और चावल उबालते वक्त मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, पानी और चावल बस। और मैंने मेथी धो ली है, फ्रेश फ्रेश मेथी। अब हम बनाएंगे मेथी के गट्टे और मेथी के गट्टे की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक करना, कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और शादी वाले जो हरियाणा की शादी के ब्लॉग है उसको आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे चैनल को, मेरे ब्लॉग्स को प्यार देते रहिए। और फरवरी में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं शादी के, तो प्लीज 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 आप मेक श्योर करें कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि मैं जब भी ब्लॉग अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मटर 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 बहुत बोल लिया, आप लगते हैं काम पे, डिनर तैयार करते हैं। और अभी मैं बैक कैमरे से आपको रेसिपी भी दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के बेसन और इसमें डालेंगे कटी हुई मेथी, एकदम फ्रेश फ्रेश मेथी है, और नमक। नमक हम बाद में भी डालेंगे जब हम इन गट्टों को फ्राई करेंगे। और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, आमचूर पाउडर,
अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो वो डालें, नहीं है तो नींबू का रस डालें, और नींबू का रस भी नहीं है तो आप थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अभी इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और साथ में हमने जो चावल उबाल के रखे हैं वो भी डाल देंगे और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। और अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका टाइट टाइट आटा लगा लेंगे और आटा लगाने के बाद हम गट्टों को उबालेंगे, जिसके लिए मैंने गैस पर गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। और गट्टे को हम उबालेंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और फिर हम 15 मिनट के लिए गट्टे को उबालेंगे और फिर काट करके हम इन्हें अच्छे सा मसाले के साथ छौंकेंगे। वैसे ज़्यादा मसाले तो नहीं लगते। और आप लोग बताओ, आप लोगों के यहाँ क्या चल रहा है? क्या आपके परिवार में भी शादी है किसी की? अगर है तो किसकी है? और मुझे आप लोग बताना, आप लोग मेरे ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो? क्या आप राजस्थान से हो? अगर राजस्थान से हो तो किस शहर से हो? और क्या आप राजस्थान से बाहर से हो? किस स्टेट से हो? किस सिटी से हो? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग तो देखते हो ब्लॉग के थ्रू कि हाँ मैं राजस्थान से हूँ, जोधपुर से हूँ, लेकिन मुझे भी मालूम चलना चाहिए ना कि जो मुझे देख रहे हैं वो लोग कहाँ से देख रहे हैं और उनको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं और मेरे ब्लॉग में उन्हें क्या पसंद आता है। कि राजस्थानी कल्चर बताती हूँ वो पसंद आता है, राजस्थानी ज्वेलरी, राजस्थानी कपड़े, राजस्थानी खाना, आपको मेरे ब्लॉग में क्या पसंद आता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो चलिए, आटा लगा लिया है, अभी हम गट्टे बना लेते हैं। तो गट्टे का साइज़ मैं ये रखूँगी, जो हम सब्जी के लिए गट्टे बनाते हैं वो थोड़े पतले रखते हैं, लेकिन ये गट्टे मैं थोड़े थोड़े मोटे रखूँगी। और बस इस तरीके से मैं सारे गट्टे बना लूँगी और फिर उबालने के लिए रखूँगी। और गट्टे उबलेंगे तब तक मैं बनाऊँगी भरवा मिर्ची बेसन वाली। अब आप सोचोगे कि गट्टे बना रहे हो और भरवा मिर्ची क्यों बना रहे हो बेसन वाली, गट्टे के साथ तो कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं समझती हूँ, क्योंकि कल सुबह हम लंच में बनाएंगे। पहले तो मैं बता दूँ कि कल संडे है और मैं 6 दिन फुल काम करती हूँ घर का सारा टोटल। संडे के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, संडे मेरे लिए भी रिलैक्स वाला डे रहे। क्योंकि एक तो बाहर के बहुत सारे काम होते हैं, संडे को हम लोग घर पर तो टिकते ही नहीं है, बस 12-1-2 बजे तक तो घर में रुक गए, क्योंकि वो तो लंच और झाड़ू पोछा करते हैं तो हो ही जाता है टाइम, उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं बाहर। और सुबह भी मैं कोशिश करती हूँ कि लंच का थोड़ा मैं प्रिपरेशन अगर हो सके तो रात को कर दूँ, या जो भी हो, मतलब मैं काम कम करना चाहती हूँ। संडे को मैं भी रिलैक्स करना चाहती हूँ और संडे को मैं एक वो काम करती हूँ जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मुझे उस काम करने में, मतलब मैं खुद बोलती हूँ कि कोई भी काम करो, मन से करो, प्यार से करो, लेकिन वो काम शायद मैं ज़िंदगी में कभी भी मन से नहीं कर पाऊँगी, वो है प्रेस करना। मुझे प्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई पास में धोबी नहीं है और धोबी है तो बहुत सारे पैसे लेता है। इतने पैसे दूँ, इससे अच्छा तो मैं खुद ही धोबन बन जाऊँ। तो प्रेस मैं करती हूँ संडे को सुबह चाय पीने के बाद। और मैं अभी बना करके रख दूँगी भरवा मिर्ची, सुबह मैं बनाऊँगी मूली के पराठे और बथुए का रायता। तो थोड़ी बहुत मिर्ची पतिदेव अगर चाहेंगे तो पराठे के साथ खा लेंगे, प्लेन रोटी के साथ खाएंगे तो प्लेन रोटी भी बना दूंगी। इसीलिए मैं रात को ही मिर्ची बना करके रख दूंगी, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा लोड ना हो। और ब्रेकफास्ट आजकल हमने बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि मेथी के लड्डू बना दिए हैं, तो हम दोनों खाते हैं मेथी के लड्डू। मैं कितना बोलती हूँ ना, पर पता है आजकल, पहले ना मैं जब बोलती थी ना, ब्लॉग शुरू किया था तो मुझे अजीब लगता था कि कैमरे के सामने बोलना, मैं बोलती थी पर बड़ा अजीब लगता था। अभी मैं जब कैमरे के सामने बोलती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ आप लोग सब सामने हो, मतलब खूब सारे लोग मेरे सामने हैं और मैं उनको अपनी मन की बात बता रही हूँ, जो मुझे बोलना है मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो अब मुझे जो बोलना होता है मैं बोलती रहती हूँ, बस अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है पता नहीं, क्या अच्छा लगता है। हाँ, पर मुझे अब ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है, आप लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ मैं सब बातें आप लोगों को किसी को बता रही हूँ, सामने मेरे कोई बैठा है। अब पता नहीं क्या है, मेरा हिला हुआ है।
सूरत ही मैंने ऐसी पाई, सूरत ही मैंने ऐसी पाई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। मैं बहुत गंदा गा रही हूँ, अगर आपको गंदा लगे तो स्किप कर दें मेरा गाना, बाकी नहीं, बाकी ब्लॉग स्किप नहीं करना है, उसको तो पूरा देखना है, बस मेरे गाने को स्किप कर दें। मुझे पता है मैं बहुत ही बेसुरी हूँ, लेकिन अपने आप को खुश करने के लिए मैं ऐसे बेसुरे गाने भी गाऊंगी। ठीक है, ठीक है, पानी उबल गया है, गट्टे डाल देते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। केक करके हम गट्टा पानी में डाल देंगे और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। अभी हम सेकेंगे बेसन को और फ्लेम को मैंने लो ही रखा है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जलने लगता है और बेसन में खुशबू आए जब तक हम बेसन को सेक लेंगे, लेकिन लो फ्लेम पे। तो जी बेसन हमारा सिक गया है, अभी हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और बेसन को कर लेते हैं ठंडा। तो जी गट्टे पक गए हैं और गट्टे पक्के कि नहीं वो देखने के लिए हमें चाकू घुसाना है गट्टे के अंदर और देख सकते हैं चाकू साफ साफ निकला है, इसका मतलब है कि गट्टे अच्छे से पक गए हैं। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और गट्टे को पानी से बाहर निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर बेसन ठंडा हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर क्योंकि मैंने जो मिर्ची ली है वो तीखी नहीं है। अगर आपने जो हरी मिर्च ली है वो तीखी है तो आप लाल मिर्च पाउडर ना डालें। और अभी डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, अच्छे से कलर के लिए। कुछ लोग सिर्फ नमक और मिर्ची डालते हैं लेकिन मैं इसमें हल्दी और धनिया दोनों डालूंगी, मतलब चारों मसाले डालूंगी। धनिया पाउडर, थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ी सी हींग, इन सबको मिला लेंगे। अगर आपके पास अचार का, जो केरी का अचार आता है, उसका थोड़ा सा तेल और मसाला है तो वो आप डाल सकते हैं इसमें, स्वादिष्ट लगती है मिर्ची। तो मिर्ची में मैंने इस तरीके से चीरा लगा लिया है, अब हम इसमें भरेंगे बेसन। तो मैंने सारी मिर्ची भर ली है और इतना सा बेसन बच गया है, इसको भी हम काम में लेंगे। अभी कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग, गैस को एकदम लो रखकर देंगे हम। और अब डालेंगे एक एक करके मिर्ची और गैस को एकदम कम करके हम लगा देंगे इस पे ढक्कन और बीच बीच में हम इसे थोड़ा सा टर्न करते रहेंगे ताकि ये जले नहीं और बराबर पके। अभी मिर्ची थोड़ी थोड़ी पकी है, अब हम इसमें ये जो मसाला है बचा हुआ ये डाल देंगे और बिल्कुल जरा सा एक चम्मच जितना पानी डालेंगे। पानी हमने इसलिए डाला है कि मिर्ची भी ना जले और मसाला भी नहीं, मिर्ची अच्छे से पक जाएगी बिना जले। वरना आप देखेंगे कि कुछ लोग मिर्ची बनाते हैं तो साइड से कहीं कहीं काला रंग आ जाता है, जो कि इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर से ढक्कन लगा देंगे और यहाँ पर मैंने गट्टों को निकाल लिया है परात में और अभी इन्हें काट लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिर्ची हमारी पक गई है और मिर्ची बिल्कुल भी जली भी नहीं है। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ढक्कन लगा के मिर्ची को थोड़ी देर के लिए इसी कढ़ाई में छोड़ देंगे। अभी मैंने बड़ी कढ़ाई गैस पे रखी है और इसमें डाला है तेल, तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। और आप चाहे तो, जैसे मैं गट्टे छोंक रही हूँ तेल में, आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं, पर मेरे पतिदेव को घी में गट्टे बनाए हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको तेल में ही पसंद है, इसलिए मैं तेल में बना रही हूँ, लेकिन घी में उनका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए जीरा और हींग डाल देते हैं। जीरा डाल दिया और थोड़ी सी हींग और फ्लेम को एकदम लो कर दिया है। इसमें डालेंगे कुटा हुआ लहसुन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक। मसालों का आप ध्यान रखिएगा, हमने मसाले गट्टे में भी डाले हैं तो कहीं ज़्यादा मसाले ना हो जाए। और लाल मिर्च पाउडर,
मैंने गट्टे बनाए तेल में हैं, लेकिन खाते वक्त थोड़ा सा घी जरूर डालूंगी। लो फ्लेम पे मसाले को थोड़ा सा पका लेंगे और मसाले को पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मसाला जले नहीं। और इसमें डालेंगे जरा सा पिसा हुआ गरम मसाला और आमचूर पाउडर। मसाला पक गया है, अब हम इसमें डालेंगे गट्टे। अच्छे से मिला लेंगे और लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मसाले के साथ फ्राई करेंगे। अगर आपको ये सूखे सूखे चाहिए तो आप इसे ऐसे ही फ्राई कर लें, और अगर आपको गट्टे थोड़े से गीले चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं। तो अभी गट्टे हमारे तैयार हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे सीधा सुबह। हेलो जी, आज है नेक्स्ट डे। रात को फिर डिनर बनाने के बाद मैंने वापस ब्लॉग किया ही नहीं, सुबह उठे फिर वही ब्रेकफास्ट लंच और सब आराम किया, और अभी आ गया है फिर ब्रेक कर। तो दो सेकंड बाद और अभी हम रेस्ट वेस्ट करके चाय पी के समय हुआ शाम के 5:15 के करीब, और हम लोग निकल गए हैं ज्वेलर के यहाँ जाने के लिए। और ज्वेलर के यहाँ हम क्या लेंगे, क्या बनवाना देंगे, वो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आपके साथ शेयर करूंगी। नया लेटेस्ट गोल्ड में क्या बन रहा है, क्या डिज़ाइन बन रहे हैं, सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ 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 ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेरे ब्लॉग अगर डेली रूटीन वाले होते हैं तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हो, अगर वो थोड़ी शॉपिंग के हो, अगर प्योर की ड्रेसेस के हो या ऑल ओवर ड्रेसेस के हो, कपड़े के हो, राजपूती पोशाकों के हो या गोल्ड ज्वेलरी के हो, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है ब्लॉग देखने में। तो चलो इसी ब्लॉग में मैं दिखाती हूँ आपको गोल्ड ज्वेलरी जो अभी लेटेस्ट चल रही है, और ब्लॉग में बने रहिएगा। और पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या लेते हैं, कैसा बनवाते हैं और क्या क्या चल रहा है। और यहाँ पर जो मैं आपको 4 चूड़ियाँ नजर आ रही है मेरे हाथ में, वो 3 ग्राम में 4 चूड़ी थी, बहुत ही सुंदर थी। अगर आप दो दो पहने, इसके अंदर कोई भी कलर की चूड़ी ऐड कर सकते हैं तो बहुत प्यारी लगेगी, सिर्फ 3 ग्राम में है। और मैंने ज्वेलर से पूछा कि इनका प्राइस क्या है, ये कितने तक पड़ेगी 3 ग्राम की चूड़ी, तो उन्होंने बोला 21,000 तक 3 ग्राम की 4 चूड़ी बन जाएगी। और मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ कानों के जो उनके पास हैंड टू हैंड तैयार है, अगर कोई आए कि उन्हें अर्जेंट में कुछ चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ कुछ मंगलसूत्र बने हुए थे तैयार, तो वो भी थे। अगर आप ऑर्डर देना चाहते हो, अपना कोई डिज़ाइन बताना चाहते हो तो वो भी बनवा सकते हो। तो मुझे ये थोड़े से आगे नज़र आए तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। और ये कुछ गले का सेट था, 2 सेट थे अलग अलग डिज़ाइन में, इसमें आप 3-4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम जितना भी सोना आप लगवाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग इस टाइप का कोई सेट बनवा सकते हो। अभी कुछ ज़्यादा ही चल रहा है ये वाला। और ये जो मरून पट्टी नज़र आ रही है उसकी जगह आप ग्रीन वाइट रेड अलग अलग पट्टी आप लगवा सकते हो अपनी अपनी चॉइस से। बस यहाँ हम थोड़ी सी ज्वेलरी भी पसंद कर रहे हैं, बनवानी दे रहे हैं, और साथ साथ मुझे ब्लॉग बनाने का मौका मिल रहा है तो मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ। और यहाँ हम देख रहे हैं बाजू के कुछ डिज़ाइन, और एक डिज़ाइन ये था, एक दो डिज़ाइन और आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो पट्टी बाजू के बीच की जो नज़र आ रही है ये थोड़ी लेटेस्ट चल रही है, तो ये भी उन्होंने बताया कि आजकल ये भी लोग बनवाते हैं। और एक दो डिज़ाइन आगे और आएंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने बताया कि ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये बस दिखने में ज़रा सुंदर है, मजबूती के नाम पे ये कुछ भी नहीं है। और एक है ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन तो मेरे बाजू के भी है, जो मेरे पास जो बाजूबंद है उसमें ये डिज़ाइन है। और कुछ यहाँ गले के सेट पड़े हैं बने हुए तैयार रेडीमेड, अगर आपको चाहिए अर्जेंट में तो आप आएँ और पसंद करें और लेकर के जाएँ। और यहाँ बारी आ गई है बिल बनवाने की, ये लोग बिल बना रहे हैं जो जो ज्वेलरी इन्होंने बनवाने को दी है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपना टाइम पास, सोचा चलो ये अपने काम कर रहे हैं मैं अपने काम कर लेती हूँ, तो मैं बना रही हूँ ब्लॉग। और यहाँ मैंने एक सेट को मोती पोने के लिए दिया है, क्योंकि उसके जो मोती थे वो लाल रंग था जो दूसरे वाइट मोतियों पर लग गया था। तो ये है मेरा आर्टिफिशियल सेट, ये मैंने बहुत टाइम पहले रेखा के जेठानी जी से ऑनलाइन ख़रीदा था,
और एकदम गोल्ड का लुक देता है। तो इसमें मैंने मोती पुआए हैं, मैंने आते ही ये सेट दे दिया था, तो हमारा काम हुआ जब तक इन्होंने ये तैयार करके दे दिया है। तो बस यही था आज का ब्लॉग, ये ज्वेलरी, और उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये ब्लॉग थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। और हमने क्या गोल्ड ज्वेलरी बनवाने के लिए दी है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन शादी के टाइम आपको मालूम है अभी हम इसे रिवील नहीं कर सकते। तो जी अभी हम ज्वेलर के यहाँ से निकल कर आ गए हैं और जो हमें ज्वेलरी बनवानी थी वो हमने बनवाने के लिए दे दी है। और क्या बनवाने दी है तो वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, जो अभी बन कर के आएगी और शादी की पूरी ज्वेलरी हम आपके साथ शेयर करेंगे, पूरा पडला दिखाऊंगी हमने क्या बरिया बनाई, क्या ज्वेलरी बनाई, लेकिन वो शेयर होगी बाद में जब शादी एकदम पास में आ जाएगी, अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और बाकी जो ट्रेंडिंग में है या जो उनके पास कुछ डिज़ाइन बने हुए थे वो मैंने आपको दिखा दिए, बाकी और बहुत थे, इतना टाइम नहीं था कि मैं एक एक ज्वेलरी एक एक जो डिज़ाइन है जो आपको दिखा सकूं, लेकिन जितना मेरे लिए पॉसिबल हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। और अभी हम रुके हैं खाना लेने के लिए, हम रुके हैं बाबू भाई के यहाँ, ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है, हम लेंगे कबूली और दही बड़े और बस इतना खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, सब्जी रोटी लेने का मन नहीं है। तो बस पतिदेव गए हैं लेने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग ख़त्म कर देती पता नहीं डस्ट से मेरा एक गले में खरखरी हो रखी है। और मैंने जो भी खाना खाना लेंगे और घर जाएंगे, चेंज करेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे, थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे। और जो मैंने आपको सेट दिखाया था लास्ट में, जिसको ये वाला दिखा देती हूँ आपको, ये वाला ये मेरा आर्टिफिशियल सेट है और इसकी जो ये चीड़े थी वो थी मिक्स वाइट और रेड कलर की, लेकिन उसका जो कलर है पसीने से उतर के हो गया ख़राब, तो इसको मैंने नई चीड़े पवा ली है और एकदम बिल्कुल देख सकते हो गोल्ड में लगता है, देखने में ऐसा लगता है गोल्ड है, तो शादी में पहनने के काम हो जाएगा, एक वक्त मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपके साथ एक नए प्यारे से ब्लॉग में। और प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप शॉपिंग को ही मतलब ब्लॉग देखते हो, शॉपिंग के ब्लॉग चाहे वो ज्वेलरी के हो चाहे बरियों के कपड़ों के, तो प्लीज़ यार नॉर्मल ब्लॉग भी देख लिया करो, डेली रूटीन वाले ब्लॉग भी देख लिया करो, क्योंकि मैं डेली तो शॉपिंग कर नहीं सकती या डेली मैं बरिया नहीं खरीद सकती, डेली मैं ज्वेलरी नहीं खरीद सकती, डेली मैं दूसरे कपड़े नहीं खरीद सकती, आपको पता है डेली में तो डेली के घर के ब्लॉग आएंगे। हाँ होती है मेरे शॉपिंग भी बहुत होती है, लेकिन इतनी नहीं कर पाती और इतना मैं आपको नहीं दिखा पाती, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे डेली ब्लॉग भी देखा करो, मेरे घर के काम देख लिया करो, मेरे कुकिंग ब्लॉग देख लिया करो। और प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे ब्लॉग शेयर भी किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ पाएँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं मेरा चैनल बहुत बड़ा चैनल बन जाए, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाए, हर घर में मेरे ब्लॉग्स लोग देखें, पसंद करें। चलो ठीक है, अब हो गया, ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग, मैं ज़्यादा नहीं पकाती आपको। ओके बाय बाय।